नमस्कार दोस्तों, मैं शमयता शमयता रूपकथारा इस चैनल में ध्रुववाणी शुभवाणी इस सेगमेंट में द्वादस मंत्र ईशोपनिषद से लेके आ गई हूँ। ये जो ईशोपनिषद है, ये उपनिषद हम लोग पिछले 11 हफ्तों से पढ़ रहे हैं। एक एक इसका मंत्र हम पढ़ रहे हैं और ये उपनिषद हम पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण जो हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित हुई है इस किताब से। इस किताब की अनुवादकर्ता और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्वभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए ईशोपनिषद का पाठ शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात ये विश्व और विश्व के अतीत जो पूर्ण ब्रह्म है, जिनके पूर्णत्व में कैसे भी कोई भी विच्युति या परिवर्तन नहीं होता है, किसी के भी जन्म या उत्पत्ति से उन परम ब्रह्म से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो हमको उनके साथ जुड़े रखे, ये उपलब्धि इसे हम लोगों को नवाजे और इसके साथ साथ वो हमको स्थिर करे और शांति प्रदान करे। ईशावास्यमीदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मा वृधः कश्यस् विद्धनम्। अर्थात पूर्ण ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो हर कर्ण में बसे हुए हैं। इस श्रद्धा के साथ, इस उपलब्धि के साथ हमें भोग भी करना है त्याग के माध्यम से, और इसके साथ साथ दूसरों के किसी भी प्रकार संपत्ति, वो चाहे आत्मिक हो, जैविक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार संपदा से लोभ नहीं करना है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत सतंग समाह एवं तैनन्न थेतो अस्ति न कर्म लिप्पते नरे। अर्थात हमें कर्तव्य बोध से कर्म करते हुए जाना है और ऐसे करेंगे तो हम शतवत्सर भी शत वर्ष भी अगर हम ऐसे ही काम करते जाएं, कर्म करते जाएं, तब भी हम कर्म बंधन से मुक्त ही रहेंगे। इससे अधिक, इससे अच्छा और कोई उपाय है नहीं। असुरजा नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्या भी गच्छन्ति जे के चात्त हनो जना। अर्थात परम ब्रह्म की जो स्वरूप है, इसको जो जीवात्मा उपलब्धि नहीं कर पाता है तो उसका गति, जो जिस जन्म में भी जो जो जीवात्मा है उस जन्म के आखिरी में उसको निम्नतर लोक में गमन करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि हमारे उस जीवात्मा का जो जो यात्रा है भगवान तक, मतलब परम ब्रह्म तक पहुंचने में, वो थोड़ी सी प्रलंबित होता है। अनेज देकं मनसो जबीयो नैनत देवा अपनुबन पूर्वमर्षत तद्धावत अन्यान तेति तिष्ठत तस्मिन् नपो मात ऋष्या दधाति। अर्थात मन से भी अधिक द्रुतगामी है परम ब्रह्म, ऐसे ही हमें उपलब्धि होता है। लेकिन वो इंद्रिय और देवताओं से भी अनुभूत नहीं होते, वो प्राप्त नहीं होते, क्योंकि इस सृष्टि के अतीत और इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली और सबसे द्रुत गति अगर कोई है तो वो परम ब्रह्म है, और उनके ही ऊपर आधार करके मातृश्वा अर्थात प्राण जो ऊर्जा है वो हर कोई सृष्टि किए हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दुरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यता। वो चलते हैं और चलते नहीं भी, मतलब वो गतिशील, वो स्थिर है और वो गतिशील भी है। वो सबके
वो सबसे दूर भी है और सबसे निकट भी है, वो सबके अंतर में है और वो सबके बाहर भी है। इसका अर्थ, जस्तु सर्वानि भूतानि आत्तनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्तानं ततो न विजुगुप्षते। वे सर्वव्यापी है, हर कुछ वही है, जगत और जगत जगतातीत मतलब सृष्टि और सृष्टि के अतीत सब कुछ वे हैं। इसका अर्थ है कि जो ब्रह्म से तृण तक सब कुछ को, घास तक, परम ब्रह्म से घास तक सारे भूतों में खुद के आत्मा को ही दर्शन करते हैं, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त व आत्मा से पृथक और कुछ भी नहीं देखते हैं, एवं समस्त भूत के अंदर अपने आत्मा को ही दर्शन करते हैं, वो इस प्रकार दर्शन के बाद और किसी को भी घृणा नहीं करते हैं और किसी से कुछ छुपाना भी नहीं चाहते हैं। जस्तु सर्वानि भूतानि आत्तनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्तानं ततो न विजुगुप्षते। तो ये रियलाइजेशन के बाद क्या होता है, जस्मिन् सर्वानि भूतानि आत्तैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। अर्थात ऐसे जिस जीवात्मा को उपलब्धि हो जाती है इसके बाद उनके लिए सब कुछ समान होता है। इसका अर्थ उनके पास उनके लिए किसी भी चीज़ के लिए शोक या किसी भी चीज़ के लिए आनंद करने का कोई कारण नहीं बचता। ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते एक चीज़ अनुभव हुआ, जब हम अपने इस चार मतलब ये पंचभूत के तत्वों से जब तक हम लोग अपने आप को अलग पृथक रखते हैं तब तक हमारे लिए अतीत वर्तमान और भविष्य है, लेकिन जब हम लोग अपने आप को सर्वव्यापी सब कुछ के अंदर खुद को समाहित कर लेते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि पूर्ण ब्रह्म और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, वी आर सेम, वी आर एंटिटी, तो तब हमारे लिए काल का भी नाश हो जाता है। तब हम लोगों के लिए कोई अतीत नहीं होता है, कोई वर्तमान नहीं होता है और कोई भविष्य नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे लिए कोई शोक नहीं है, हम जो किसी से बिछड़ने का गम कर रहे हैं वो भी नहीं, बिछड़ा नहीं है वो है, और किसी के नए आने से जो आनंद अनुभव हो रहा है वो भी तो कभी नए सिरे से जन्म लिया ही नहीं है, वो तो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टम श्लोक सबसे डिफ़िकल्ट श्लोक लगता है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक शब्द है, हर बार बोलती हूँ मैं, लेकिन सबसे मीठा सा आश्वास इसमें ही दिया गया, आश्वास नहीं, सबसे मीठा सा प्रॉमिस इसमें ही किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। स परजगात शुक्रम कायम ब्रनमस नावीरं शुद्धम पाप विद्धम कवीर मनीषी परिभु स्वयंभूर जाथा तथ्य तो अर्थान वदध्यात शाश्वतिभ्य समाभ्य। अर्थात वे सर्वत्र गमनशील हैं, वो सर्वत्र हैं, वो ज्योतिर्मय है, अशरीर उनका शरीर नहीं है, वो क्षतरहित है, स्नायुहीन है, शुद्ध है और अपापबिद्ध है। वे सर्वदर्शी सर्वज्ञ सर्वपरि विद्यमान एवं स्वयंभू हैं, वे नित्यकाल व्यापी वो सबके लिए यथावत यथाविधि कर्मफल और यथाविधि बोलना सही नहीं होगा, ये बोला जाएगा कि तरीके से मतलब सही मायने में वो कर्मफल और साधना अनुसार और विषय समूहों का विधान कर रहे हैं। अर्थात ये प्रॉमिस यहाँ पर बोला गया है, बच्चा तुम काम करते जाओ, मैं हूँ ना। जो एक माँ बोलती है हमको, जो एक पिता कहते हैं, वही पूर्ण ब्रह्म हम लोगों को ये आश्वास दिए हैं, ये बोल दिए हैं, ये मीठे वचन हमें बोले हैं कि तुम काम करते जाओ, उसके बाद सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी तो तुम्हारे लिए जो सही होगा वही होगा। अन्नं तमः प्रविशन्ति जेह विद्यामुपासते तत भूव ईवते तम ज ओ विद्यायांग रता। अन्धं तमः प्रविशन्ति जे अविद्यामुपासते
ततो भूव ईवते तम ज उ विद्यायांग रता। अर्थात इसका अर्थ ये है कि अब हमें तो ये पता चल गया कि पूर्ण ब्रह्म क्या है, पता चल गया ये बोलना सही नहीं होगा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, हमें एक आइडिया आ गया, हमारे पास कुछ शब्द आ गए हैं और वो शब्द जो खुद ही ब्रह्म है वो ब्रह्म को वर्णन किए हैं। लेकिन इसके बाद ये उन तक पहुंचने में, ये रियलाइजेशन सही मायने में होने के लिए क्या करना है? कहा गया है कि निर्मोह, मतलब कहा गया है कि अगर हम सिर्फ कर्म करते हैं अपने लिप्सा, अपने लालसा, अपने लोभ को चरितार्थ करने के लिए, अगर सिर्फ कोई कर्म कर रहा है तो उसको कहा जा रहा है अविद्या, और जो सिर्फ पूजा पाठ कर रहा है तो उसको कहा जा रहा है विद्या। और यहाँ पर कहा गया है विद्या और अविद्या, इन दोनों के ही अलग अलग पृथक पृथक अनुशीलन दोनों ही आपको अंधकार लोक में धसा देता है, मतलब आपका निम्न गति होता है। मतलब आप पूजा भी कर रहे हो, आपका निम्न गति हो रहा है, ऐसा कैसे? अन्न देवाहुर विद्याया अन्न दाहुर विद्या इति शुश्रुम धीरानां जे नस्तदी चचक्खिरे। दसम श्लोक में कहा गया है मंत्र में कि इससे पहले जो लोग ब्रह्म को वर्णन किए हैं, जो लोग विद्या अविद्या का गुण और कर्म अनुशीलन पंथा को हमारे पास बोला है, व्याख्या किए हैं, वो ही बोले हैं कि भाई विद्या और अविद्या दोनों का फल पृथक पृथक होता है, दोनों ही आपको निम्न गति देते हैं वो अलग बात है, लेकिन दोनों का ही फल पृथक होता है। फिर तब हमें करना क्या है? करना क्या है? विद्यांग च विद्यांग च जस्त देव दो भयं सह अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया अमृतमश्नुते। चलिए और एक बार इसको रिपीट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा उच्चारण शुद्धि नहीं थी इस श्लोक में, इस मंत्र में। विद्यांग च विद्यांग च जस्त देदो वयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्याया अमृतमश्नुते। अर्थात विद्या और अविद्या दोनों को एक ही साथ अनुशीलन करना है, किसी को छोड़ के, एक को छोड़ के दूसरा ही सिर्फ हमें अनुशीलन नहीं करना है। अगर ऐसे हम करते हैं, दोनों को अगर एक साथ हम अनुशीलन करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि अविद्या के अनुशीलन से हम मृत्यु को अतिक्रम करते हैं, और विद्या के अनुशीलन से साथ ही साथ जब हम विद्या का अनुशीलन करते हैं तो तब हम अमृतत्व में उपनीत होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमें ये शरीर मिली है और इस शरीर को धारण करने से ही सिर्फ हम साधना कर सकते हैं, तो इस शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो तो हमें ही मिटाना पड़ेगा, है ना? तो अगर ऐसा है तो कर्म छोड़ना सही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ विद्या का भी अनुशीलन करना है। विद्या का जहाँ तक हम अनुशीलन कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी रूप से भगवान को पूजना शुरू किए हैं, हम जाने अनजाने में, कहा जाता है संस्कृत जो श्लोक होते हैं, हम अगर जान के श्लोक को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से वो अच्छे से काम करता है, लेकिन हम अगर ना जानते हुए भी अगर कोई एक श्लोक को बहुत सुंदरता से अगर हम उसको बार 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 अनुशीलन करते हैं तो वो जो मंत्र है, वो जो वाइब्स है, दे स्टार्ट टू एक्ट अपॉन अस। वो अपने, वो आपके लिए जो सही है, क्योंकि वो भी शब्द ब्रह्म है, तो वो जो ब्रह्म है वो आपके लिए वो काम करते हैं, आपके बिना जाने ही करते हैं। मतलब कोई एक दवाई लिया है, जान के लिया है, और कोई एक बिना भरोसे के ही ले लिया है, काम तो दोनों में ही होना है ना? तो कहीं पर आप थोड़ा शांति के साथ आप ठीक होते हैं और कहीं पर आप शांति के साथ ठीक होते हैं, ना जानना और जानने में यही फ़र्क है। मैं तो अपनी क्षुद्र बुद्धि से इतना ही समझ पाई हूँ। तो इसमें ये पता चलता है कि विद्या का अनुशीलन और अविद्या का अनुशीलन अगर हम पृथक पृथक रूप से करते हैं तो दोनों का ही कुछ ना कुछ खामियां हैं, दोनों का ही कोई ना कोई बैड इफेक्ट है, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ रख के करते हैं तो जहाँ तक विद्या का अनुशीलन आपके अविद्या के अनुशीलन दोनों का जो
बैड साइड इफ़ेक्ट से उसको नालीफाई कर देता है, और उससे क्या होता है, एक सिनर्जिस्टिकल इफ़ेक्ट आता है। ये केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं या जो विद्वान हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, सिनर्जिस्टिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं कोई कोई मटेरियल का, कुछ कुछ ड्रग्स का, यहाँ पर वैसा काम करता है। और जहाँ तक ऐसा काम करता है तो आप पहले तो मृत्यु के अतीत होते हो और फिर आप अमृतत्व लाभ करते हो। मतलब आप ऐसे मुझे क्यों ये लगा पता नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं आपका ऊर्ध्वगमन जो है वो बेटर लोक में होता है, या अगर आप उस साधना के लेवल में पहुंच जाते हो तो तब आप सही मायने में उन तक पहुंच जाते हो, उनसे एकात्मिक आत्मिक रूप से एक हो जाते हो। तो इसके बाद देखते हैं कि फिर क्या है, किस रूप में हम पूजा करें। देवता रूप में पूजा करने से तो पहले बोल दिया कि भाई सिर्फ अगर पूजा करोगे तो प्रॉब्लम है। तो फिर देखते हैं और क्या आगे बोल रहे हैं। अब आते हैं हम बारातम मतलब द्वादश मंत्र में। अंधतम प्रवेशन्ति जे असंभूति मुपासते ततो भूव ईवते तम ज ओ संभूत्यांग रता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप प्रकृति को, या ऐसे अगर हम समझे पूर्ण ब्रह्म है, एक जगत पूरा जगत है और वे जगत के अतीत भी हैं, तो इस एंटिटी का कोई एक पर्टिकुलर रूप, मतलब मुझे परम ब्रह्म निर्गुण निराकार परम ब्रह्म जो अप्रकाशित है वही मुझे भाता है, तो मैं सिर्फ उसको पूजा कर रहा हूँ और बाकी जो पार्ट है उनका ही तो है ना, तो मैं उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको पूजा नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा करता हूँ तो तब भी ये मेरे लिए वो हानिकारी है, और अगर मैं वो उस अप्रकाशित रूप को अगर मैं नहीं स्वीकारा और सिर्फ प्रकाशित रूप को, हिरण्यगर्भ जिसको कहा जाता है, ऐसे जो सृष्टि होता है उस पार्ट को भी मैं अगर सिर्फ पूजा करता हूँ तो तब भी मेरे लिए वो हानिकारी है। क्यों? क्योंकि वो तो पूर्ण है, आपको पूर्ण मतलब होता है ना कि आई डोंट नो वाई बट मेरे पास अचानक से ये ख्याल आया कि आजकल सबसे ज़्यादा हम लोगों के आसपास, वो चाहे किसी भी रिलेशनशिप में आप देखिए, वो माँ बाबा माता पिता भाई बहन हर किसी में हम सिर्फ अच्छा ही लेंगे, बुरा उसका कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो आधा अधूरा एक्सेप्टेंस है इससे हमारे अंदर एक खिंचाव एक तनाव आ रहा है। पूर्ण ब्रह्म में कोई सा भी अच्छा नहीं कोई सा भी बुरा नहीं, क्योंकि वो तो कर्म के अतीत हैं, वो कर्म के अतीत हैं, वो सबके परे हैं, तो अच्छाई बुराई तो अलग जगह है, मतलब उनके रेफरेंस में ही नहीं है। क्योंकि अगर मुझे मतलब गीता की एक छोटी सी बात याद आ गई, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी बात है, कि परम ब्रह्म ना आपका पाप लेते हैं ना पुण्य लेते हैं, इस लेकिन वो पूर्ण है, तो पूर्ण के आधे को आप पूज रहे हो और बाकी आधे को अगर नहीं पूजते हो तो वहाँ पर तो क्लेश आएगा ही। ठीक वैसे ही जैसे समाज में हर स्तर के इंसान को आपको एक्सेप्ट करना है, आज बहुत ज़्यादा शोर होता है वुमेन एम्पावरमेंट, क्यों? क्योंकि एक हिस्से को आप अगर सबड्यू सोचोगे, एक हिस्से को अगर आप ऐसे ही सोचते जाओगे तो तब तो प्रॉब्लम होगा ही, हो भी रहा है, क्लेश हो रहा है, क्लैश हो रहा है। तो वही ये चीज़ कितने सदियों पहले ईशोपनिषद में भी कहा गया है, अगर हम उस प्रेक्षापट में देखते हैं कि पूर्ण ब्रह्म है वो उसका प्रकाशित रूप मतलब प्रकृति के प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों को एक ही साथ आपको उनका साधना करना है तब जाके होगा, नहीं तो अगर अलग अलग करोगे जैसे कर्म और पूजा दोनों के को छोड़ दोनों को करना है, ठीक दोनों को ही आपको पूजना है, दोनों को ही आपको अनुशीलन करना है, ठीक वैसे ही प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूप में प्रकृति को एक्सेप्ट करना है, दोनों ही रूप में आपको परम ब्रह्म को क्या बोलूँ मतलब उनका उपासना करना है, उनका रियलाइज करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो हम क्योंकि हमारे अंदर भी हमारा एक पार्ट है जो अप्रकाशित है ना, एक पार्ट है जो बहुत ही अप्रकाशित है, इवन हमसे भी अप्रकाशित है,
हम तो ये जो रियलाइजेशन है, ये जो यात्रा है, ये तो उस प्रकाशित रूप को ही पाना, लेकिन उस रूप को पाने के लिए इस प्रकाशित शरीर, इस प्रकाशित मन से ही तो हम लोगों को काम करना है ना। तो अगर कोई एक अस्तित्व को ही अगर हम नकार दे तो हम पूर्णता प्राप्त कैसे होंगे। तो इसीलिए ये 12 द्वादश, ये जो मंत्र है, ये कहा, इसमें कहा गया है कि भाई किसी एक प्रकार से अगर करते हो तो प्रॉब्लम है। फिर इसका उपाय क्या है आगे हम चल के देखेंगे। 13वें त्रयोदश श्लोक में, जिसके लिए हमें और एक हफ्ता अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और योग में रहिए।